विश्वकर्मा है और ये मेरा डॉग है, इसका नाम ड्रैगन है। अप्रॉक्स 3 months पहले इसको एक डिजीज हुई थी, कैनाइन डिस्टेंपर, एंड हमें ये चीज़ पता नहीं थी। और जो फिर हम उस डॉक्टर के पास इसको लेकर के गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लेकर के गए थे, तो उन्होंने बताया कि इसको जो बीमारी है वो एक उसे कैनाइन डिस्टेंपर, उन्होंने बताया कि इसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ है और वो उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको भी ये होता है वो ज़्यादा बचते नहीं हैं, जो भी डॉग्स होते हैं उनको बचाया नहीं जा सकता, रेयर ही चांस होता है कि वो डॉग बच जाए। देन फिर हम उन्होंने बोला इसको वापस घर लेके जाओ, और फिर हम वहाँ से अपने घर आए। देन फिर हमने ऑनलाइन सर्च किया कि इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह होती है नहीं, तो हम और भी डॉक्टर से हमने उन्हें दिखाया, देन उन्होंने तो मना ही कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन हमें कुछ वीडियोज देखने के लिए मिले, जो हम सिम्टम्स थे, जो सिम्टम्स थे वो इसके डायरिया होता था इसको, वॉमिटिंग होती थी, और इसको सीविंग स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने ऑनलाइन चेक किया, देन हमने वीडियोज देखी कुछ, फिर हमें डॉक्टर मिश्रा सर थे उनका वीडियो मिला, देन उनसे हमने कांटेक्ट किया ऑनलाइन ही, एक ऐप था कॉल मी फोर ऐप, हमने उनसे बात की कॉल पे, वहाँ उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है। देन फिर उन्होंने बताया कि हमें एक मेडिसिन, एक सीरम आता है कैंगलॉक डी, उन्होंने बोला वो सीरम लगवाना पड़ेगा 7 days के लिए, हमने वो लगवाया फिर 7 days तक, देन इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, तबीयत थोड़ा सा एक्टिव हो गया था, वैसे तो बिल्कुल डल सा हो गया था। एक्टिव होने के बाद में फिर हमने, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इसकी मेडिकेशन स्टार्ट करने के लिए, देन हमने इसकी मेडिकेशन स्टार्ट की, और 2 months के बाद ये ठीक हो गया है काफ़ी। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो डॉग है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुका है और काफ़ी रिकवर कर लिया उसने जो डिजीज हुई थी इसको, और अभी जो है आगे मेडिसिन इसकी कंटिन्यू हो रखी है, सर ने जो बोला है कि आगे मेडिसिन कंटिन्यू रखने के लिए, एंड अब देख सकते हो उसके इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेटर हो गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की एंड इसका ट्रीटमेंट किया, जो कि बाकी डॉक्टर्स ने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, बट उन्होंने इसको ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एसोसिएट्स को फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फिर आप अपने डॉग की पूरी सिम्टम्स मुझे बताइए, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, अगर क्रिटिकल केसेस है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोकल वेट को लेके जाओ दिखाओ, क्योंकि फिजिकली मैं पॉसिबल नहीं हूँ। सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सेकेंड ओपिनियन दे दूंगा, या फिर कोई स्किन इशू है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको ऑनलाइन गाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ उसको फ़ायदा उठाइए, काफ़ी कॉस्ट अफेक्टिव प्लान है। और जुड़े रही हमारे चैनल साथ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रमोट कीजिए, जैसे मैं जेन्युइन वीडियोस लेके आता रहूँ आपके साथ, और प्लीज़ मुझे बताइए किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।